हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैंने ये अपना हेयर कट किया है, पूरी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड हो गई है। आप सेल्फ हेयर कट खुद से प्रोफेशनल तरीके से कैसे हेयर कट कर सकते हो उसकी, तो इस तरीके से बैक से दिख रहा है एंड फ्रंट से, इस तरीके से मैंने खुद से कट किया, सेल्फ कट किया है। तो जल्दी से हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा हेयर आप देख सकते हो मैंने कट कर लिए हैं और शॉर्ट हेयर हो गए हैं। तो किस तरीके से मैंने कट किया इसका प्रॉपर वीडियो मैंने डाला हुआ है, आपने वीडियो में देखा होगा कि कैसे कट किया है, कैसे इसको सेट किया है। आप भी इस तरीके से प्रोफेशनल कट आप कर सकते हो अपने बालों का खुद से ही। तो बैक से भी लुक मैंने उस वीडियो में दिखाया हुआ था, तो प्लीज़ जाके चेक कर लीजिएगा। ये देखिए बैक से कुछ इस तरीके का लुक आया है। ओके, तो चलते हैं हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। हेयर स्टाइल के लिए आपको छोटे वालों पे आप ये हेयर स्टाइल आराम से बना सकते हो। आपके मेरे से छोटे हेयर होंगे तो भी आप ये हेयर स्टाइल बना लोगे। तो हमको इस यहाँ पे कोई मांग नहीं निकालनी है और हम इस छोटे से क्लचर की मदद से ये हेयर स्टाइल बनाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इस तरीके से थोड़ा सा इस हेयर के पास से एंड इस हेयर के पास से थोड़े थोड़े हेयर ले लेने हैं और एक यहाँ पे रबर बैंड लगा देना है। अब आपको मेरे छोटे से छोटे बालों पे काफ़ी अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल मिलेंगे, जिनको भी चाहिए था शोल्डर लेंथ के लिए हेयर स्टाइल सब कुछ आपको अब मिलेंगे मेरे चैनल पे। आपको खुद से सेल्फ बना के दिखाऊंगी मैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे रबर बैंड लगा दिया है। अभी रबर बैंड को ट्विस्ट कर लेंगे इस तरीके से। ओके, ट्विस्ट करने के बाद से हल्का हल्का सा खींच लेंगे इस तरीके से और इसको टाइट कर देंगे। ऊपर से भी थोड़ा थोड़ा खींच लेंगे। ओके, मैची सारा लुक आया पीछे से। देन जो लेयर निकल रहे हैं ये मैंने कट किए हैं, तो ये निकल रहे हैं। इसको कैसे कट किया है वो भी वीडियो में है, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। अगेन दूसरा पार्ट लेंगे हेयर का। मैं यहाँ पे एक रबर बैंड और लगाएंगे। इजी तरीके से बना लोगे बहुत शॉर्ट हेयर पे। यहाँ तक हेयर रहेंगे शोल्डर के ऊपर तक, तो भी आप बना लोगे ये हेयर स्टाइल जैसे मैं बना रही हूँ सेम इसी तरीके से आपको बनाना है। इसको भी थोड़ा सा लूज करेंगे और नीचे की तरफ से ट्विस्ट कर देंगे। ओके, ट्विस्ट करने के बाद से अगेन इसको थोड़ा थोड़ा खींचेंगे। ओके, कुछ इस तरीके का लुक आएगा आपके आपके बालों का। ये दोनों रबड़ एकदम सीध में होने चाहिए। अगर ऊपर वाला रबड़ ज़्यादा ऊंचा है तो उसको आप इस तरीके से लूज करके नीचे वाले रबड़ के पास ले आइए और नीचे वाले रबड़ को टाइट कर दीजिए। अब आपको क्या कहते हैं सारे बालों को एक साथ पकड़ लेना है, देन इसको ट्विस्ट करना है। ओके, ट्विस्ट करना है। ओके, देन यहाँ पे आपको क्लचर की मदद से इसको सिक्योर कर देना है। और ये हमारा छोटे से बालों में ब्यूटीफुल सा बन बन के रेडी हो गया है। क्विक इजी है, तो आप इसको घर पे भी ट्राई कर सकते हो। और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा अपने बन को खींच लेंगे। एंड पार्ट आपको क्लचर के अंदर ही रहना चाहिए, नहीं तो आपका जो हेयर स्टाइल है वो खुल सकता है। अगर बहुत शॉर्ट हेयर है तो इस तरीके से क्लचर को निकाल लीजिए और एंड पार्ट पे क्लचर को लगा दीजिए। तो आपने देखा छोटे बालों में कितना इजी तरीके से ब्यूटीफुल सा बन हमारा बन के रेडी हो गया। कैसा लगा आप लोग को ये हेयर स्टाइल? और फ्रंट से कुछ इस तरीके का लुक आएगा इस हेयर स्टाइल का। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।